हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। वाइट वॉश वगैरह चल रही थी, अब मैं फ्री हुई हूँ इंडिया आने के बाद। आज मैं आलू गोभी की रेसिपी डाल रही हूँ। आलू गोभी कैसे सादे तरीके से और स्वादिष्ट कैसे बनाई जा सकती है। गैस चला के कढ़ाई रख दिया, उसमें मैं सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल के पहले इसको अच्छी तरह से गर्म करूँगी। ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैं आलू और गोभी को थोड़ी फ्राई करूँगी। ये गर्म होता है जब तक। हम मसाले इसमें डालेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, अजवाइन, हींग, जीरा और मेथी, सूखी मेथी। टमाटर वगैरह मैं नहीं डालती इसमें, मैं इसमें नींबू निचोड़ती हूँ, टमाटर नहीं डालती। बगैर टमाटर की कैसे बनेगी वो बताती हूँ आपको। इसके लिए हम कटे हुए प्याज दो छोटे छोटे छौंक के लिए रखेंगे, थोड़ा सा गार्लिक, लहसुन। गर्म होने में इसको अभी 1 मिनट लगेगा, जब तक ये तेल अच्छी तरह से बिल्कुल बॉयल ना हो जाए तब तक इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। वेट करते हैं तेल के गर्म होने की। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम अब आलू और गोभी जो काट के रखे हुए हैं उनको इसमें धीरे धीरे से डाल देंगे। थोड़ा सा उसमें नमक डाल देंगे और इसको 6 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। पाँच मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सब्जी बनने के बाद इसका फ्लेवर आता है, ऐसे तलने के बाद जो सब्जी बनाई जाती है उसका अलग से टेस्ट आता है। फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। इसी में हम डाल देंगे हींग, जीरा, जीरा थोड़ी मेथी और थोड़ी अजवाइन। इसको इसमें अलग से और ऑयल नहीं डालना, इसी में हो जाएगा। ये हो चुका है हमारा, अब इसमें हम अपना अदरक डाल देंगे और लहसुन डाल देंगे। और इसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। Thank you.
प्याज ब्राउन होगी तब तक इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें हम प्याज हो चुके हैं, अब इसमें हम ये डाल देंगे गोभी और आलू जो फ्राई किया, और इसमें डाल देंगे हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ी सी स्वाद अनुसार लाल मिर्च जो जैसा चटपटा खाता है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस को सील कर देंगे और इसको ढक देंगे। 10 मिनट में हमारी सब्जी बन जाएगी। बाकी बनने के बाद दिखाती हूँ उसका कैसा कलर होता है। थोड़ी देर हमें वेट करनी पड़ेगी, देखते हैं कितनी कसर है सब्जी में। कसर है, अभी इसको 5 मिनट और रखेंगे। और इसे पकाएंगे। देखते हैं सब्जी लगभग तैयार हो चुकी होगी। बन चुकी है, बहुत अच्छा कलर आया हुआ है। खाने में भी क्रिस्पी और स्वादिष्ट होगी, बना के देखना, बहुत अच्छी बनती है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डालनी है, उसके लिए सॉरी गाइस। अब इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला और इसको मिक्स करके कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है डालने से सब्जी में। हमारी सब्जी अब ये तैयार हो चुकी है। तो गाइस ट्राई जरूर करना और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस, बाय।